उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती परीक्षा नए कानून के तहत होगी। यह लिखित परीक्षा 23 अगस्त से अलग अलग तिथि में 5 दिनों में कराई जाएगी। यूपी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को परीक्षा कराने का ऐलान किया है। इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत होगी। अब परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल, सॉल्वर, पेपर लीक कराने, पेपर लीक की साजिश रचने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपी सरकार ने अलग से कानून भी बनाया है। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं जो दंडनीय है। ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या फिर दोनों हो सकती है।